रहने। आप सब लोग वापस आ गए, हमारा मतलब कि वो क्या हुआ? What to do, बिंदु डार्लिंग, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मैं अपने थोड़े से आराम के लिए तेरा घर अकेला और सूना छोड़ के जा रही थी। नॉट फेयर। नहीं नहीं, लेकिन कुछ नहीं, जब तू इतने दिनों तक हमारी मेहमान नवाजी कर सकती है तो मैं क्या 4 दिनों के लिए तेरा ये घर नहीं संभाल सकती? तू टेंशन मत ले, हम सब मिलकर तेरा घर संभालेंगे। हाँ पैडी आंटी, आप परेशान हो जाएंगी। अब मैं अपने बचपन की बेस्टेस्ट फ्रेंड के लिए थोड़ी सी परेशानी नहीं ले सकती क्या? तू जा, अच्छे से घूम, शादी एंजॉय कर, लवली के नाना नानी से मिल और यहाँ की चिंता बिल्कुल ही मत करना। What to do? इस मोटी ने तो पूरी बाजी लड़ दी, अब क्या होगा? मैं तो खुद ही के जाल में फंस गई। पैडी राइट्स है, आप लोग जाइए, हम आपका घर संभाल लेंगे अपना घर समझकर। ओके हम लोग शादी में नहीं जाते। इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लवली, हम लोग जरूर जाएंगे, वरना तुम्हारे नाना जी बुरा मान जाएंगे। और मामा जी ने तो टिकट भी करवा दी है ना? अच्छा नहीं लगता, हमें तो साहब जाना ही पड़ेगा। Come on, pops! आप लोग ज्यादा सोचिए मत, जल्दी से तैयारी कीजिए जाने की। और लवली जी, चलिए मैं आपकी पैकिंग में हेल्प कर देती हूँ। खाओ। देखा बिंदु, मेरी बेटियाँ कितनी चिंता करती हैं। अब तुम जल्दी से जाओ, नहीं तो बस मिस हो जाएगी। कम ऑन कम ऑन, चलो चलो, सब लोग तैयारी कर लेते हैं। यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम संभाल लेंगे। जाओ जाओ, गो गो। बोल देना मासा को कि करंटी और कार्तिक के साथ मिलके तूने एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो पैडी आंटी दुम दबाकर भाग जाएगी। मासा, मेरे जो मामा जी है ना, उनकी बेटी की शादी है, हमें बुलाया है। बाय, चलो चलो, हटो 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 हटो। अरे भाई जल्दी से सामान रखो वरना बस निकल जाएगी। अरे का किसा? कहां चढ़ दी का किसा की सवारी और जेबी पूरी पलटन के साथ है? अरे कहीं ऐसा तो ना है कि मेहमानों ने जयपुर की गर्मी इतनी बढ़ा दी कि सब लोग निकल लिए पहाड़ों में छुट्टी मनाने? ऐसी कोई भी बात नहीं है आरती, लवली की मामा की बेटी की शादी है, उसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं बस। अच्छा, लवली की बहन की शादी? लेकिन मारे को तो इसकी शकल पे कुछ और ही लिखा नजर आ रहा है। शादी
में जा रही है। हाँ, इसकी सकल पे खुशी की जगह 12 बजे हुए। हाँ, तन्ने देख के तो किसी के भी चेहरे पे 12 बज सकते हैं। तू है जो इतनी सुंदर है ना। तुम कहीं जा रही थी ना, कुछ काम है? मैं तो सब्जी लेने जा रही थी मार्केट में। हाँ, तो आप सबकी सवारी देखी तो रुक गई। काकी साहब, आप दिल्ली जा रहे हो ना, तो वहाँ से बड़ी चटपटी चाट के भल्ले ले आना। हाँ, अरे लल्ला के बाउसा को बड़े पसंद है। और हाँ, मारे लिए एक तुम सुंदर सी भरत भरी हुई मोजड़ी ले आना। आरती भाभी, बस इतना सही। वहाँ पे ना लाल किला भी मिलता है, अगर कहो तो आपके लिए वो भी ले आएंगे। ले आए? हाँ, ला सको तो ले आना। अरे मारी को क्या है, बच्चे खेलेंगे। चलो चलो, बस निकल जाएगी, देर हो जाएगी। चलो चलो। ड्राइवर, गाड़ी पे रोक दो। लवली, यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकी है? ये तो तुम्हारा मायका है ना? मासा, आप उतरिए, मैं आपको बताती हूँ। अरे आप उतरिए ना। अरे क्या हुआ है बेटा, यहाँ से भी किसी को लेना है क्या? लवली, तुम हमें बता क्यों नहीं रही हो कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मासा, वो अब 4 दिनों तक हम सबको यहीं रहना होगा। क्यों? मैंने आपसे झूठ कहा था। लेकिन क्यों? लेकिन लवली, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता है ना, डीलरशिप के पेपर साइन करना बाकी है, फिर भी? हाँ मासा, वो लवली, कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आदत से मजबूर हो, इसलिए तुमने फिर से झूठ बोला। मासा, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं जानती हूँ क्या आप चाहकर भी उस पैडी आंटी को घर से जाने के लिए बोल नहीं पा रही थी। नहीं नहीं लवली, मासा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। चाहती थी भाभी, क्योंकि मासा अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकती, फिर भी वो चुपचाप से पैडी आंटी की जातियां सहती जा रही थी। और किसी की जाति सहना उतना ही गलत है जितना किसी पर ज्यादती करना। मैं आपको इसके बारे में बताने वाली थी, लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि आप झूठ का हिस्सा बने। हरगिज नहीं। अगर तुम हमें बताती तो भी हम ना ही झूठ बोलते और ना ही झूठ बोलने में तुम्हारा साथ देते, क्योंकि झूठ तो आखिर झूठ ही है ना। और देख लो, तुम्हारे झूठ का नतीजा हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है कि घर होते हुए भी हम घर से बाहर खड़े हैं, और वहां पैडी अपने परिवार के साथ हमारे घर में सुकून से रह रही है।
ठीक कह रही है, झूठ मैंने बोला और सजा आप सबको मिली है। आप अंदर चलिए मासा। मासा प्लीज मान जाइए ना, मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ होगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज मान जाइए और अंदर चलिए। अपने समधियों के घर पनाह लेना ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, और हम लोग खामखा उनको आकर के परेशान करेंगे। लेकिन मासा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी परेशानी के समय पे अपने ही अपनों के काम आते हैं मासा, ये भी अपना ही तो घर है। पर लवली इस तरह बिन बुलाए मेहमानों की तरह तुम्हारे यहाँ रुकना भी तो ठीक नहीं है। पर भाभी यूं घर लौट कर जाना भी तो अजीब लगेगा, क्या जवाब देंगे हम पैडी आंटी के इतने सारे सवालों का? लेकिन कार्तिक। नहीं मासा, आज रात के लिए हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह जाकर पैडी आंटी को बोल देंगे कि उन्हें घर से जाना है। मासा वो आपकी सादगी का फायदा उठा रहे हैं, आपको उनसे बात करनी होगी। हाँ मासा, मैं भी यही चाहता हूं। विद्येश्वरी जी बच्चे ठीक कह रहे हैं, आज की रात यही रुकना ठीक होगा, और फिर कल की कल सोच लेंगे। तो ठीक है, आप सब लोगों की यही राय है तो आज रात के लिए हम यहां रुक जाते हैं। चलो तुम सब लोग जाकर गाड़ी से सामान निकालो। क्या बात है, जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, आओ भाग्य हमारे, आइए आओ बेटा। अरे नमस्ते। अरे आप सब लोग अचानक, वैसे आने से पहले अगर फोन कर दिया होता तो लगता है आपके मेहमानों ने मौका ही नहीं दिया। कैसे हैं वो सब? नहीं वो बात यूं हुई कि कोई बात नहीं माला, घर की बात है। बस वो तो है। चलो फटाफट इनके खाने का इंतजाम करो तुम। मैं अभी आई। हाँ आइए ना आप लोग, आइए 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 आइए। संधि जी माफ करना, मुझे पार्टी अध्यक्ष से जरूरी बात करनी होगी। आप लोग बैठिए ना, मैं दो मिनट में आया। बैठे बैठिए आप लोग। हाँ जी शेखावत साहब। माँ साहब आइए ना। सॉरी माँ साहब, गलती हो गई, आप गुस्सा छोड़िए प्लीज। हाँ मां साहब जरा सोचिए, अगर इनका प्लान कामयाब हो जाता तो पैडी आंटी जा चुकी होती और हम अपने ही घर में सुकून से रह रहे होते। सिर्फ आज रात की बात है भैया, कल हर हाल में पैडी आंटी की विदाई होकर रहेगी। लेकिन मां साहब घर आए मेहमान के साथ में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, और वो लोग कौन सा जिंदगी भर रहने वाले घर पे, दो चार दिन में चले जाएंगे, उनके साथ में इस तरह से बर्ताव मुझे नहीं लगता ठीक है। हाँ माँ साहब, साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है।
इतनी देर लगा दी। अब टुडे के लिए इतना ही है, किचन में सब खत्म हो गया है। 1 मिनट। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम लोग हमारे रूम में जाएं? ठीक है, चलिए रे प्यारे। मुझे भी आई थिंक बस हो गया है, काफी खा लिया। कुछ एक काम करो, आप है ना ये सब फ्रिज में रख दो और यहाँ की साफ सफाई करके आ जाना, मैं सोने जा रही हूँ। ओके हटो। अब ये सब साफ सफाई टुमारो मॉर्निंग्स में ही करूंगा। तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब इतने सारे कमरे खाली हैं और आप लोग जिद पकड़ के बैठ गए कि बस एक ही कमरे में रहेंगे, ये भी क्या बात हुई? ओए नहीं जी आंटी जी, परेशानी की तो कोई गल ही नहीं है, सब चंगा है थे। है ना भाभी? हाँ, वैसे भी इतने कम समय में इतने सारे लोगों का इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं। और नहीं तो की? और वैसे भी सिर्फ एक ही रात की तो बात है, सुबह तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे और कुछ दिन रुकिए ना आप लोग। नहीं नहीं समदन जी, सारा घर बस ऐसे ही छोड़कर आए हैं। हाँ ये भी है, चलिए रात बहुत हो गई है, आप लोग सो जाइए, गुड नाइट। और लवली बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताने में हिचकिचाना मत। यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारा घर है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? जी मुझे लगता है ये पादी आंटी और उसका पूरा परिवार और जी ये ना घोड़े बैठ के सो रहे हैं। अरे क्या तकलीफ है आप लोगों को? हाँ क्यों ठोक रहे हो दरवाजा इतना जोर से? अरे पता नहीं क्या अंदर शूटिंग चल रहा है क्या? अच्छी शूटिंग। Oh,